नमस्कार, इस वक्त हम हैं इंदौर की छावनी अनाज मंडी में, जहां लगातार डॉलर चने की जो आवक है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। यही कारण है कि डॉलर चने के दाम में उतार चढ़ाव की स्थिति भी अब की बार देखने मिल रही है। हमारे साथ व्यापारी हैं, सीधे इनके पास चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ दाम डॉलर के आज रहे हैं और क्या संभावना आने वाले दिनों में डॉलर के व्यवसाय को लेकर के जताई जा रही है। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, दूसरी बात आज डॉलर के क्या कुछ दाम रहे, आने वाले समय में हम क्या कुछ संभावना डॉलर के व्यवसाय को लेकर जता रहे हैं। मेरा नाम राकेश जैन, दीपिका ट्रेडिंग कंपनी इंदौर। डॉलर चने का इस बार जो है उत्पादन अपेक्षाकृत कम है पिछली बार से, और डॉलर चने का जो भाव है वो 10,000 से लगा के 11,000 रुपये के बीच चल रहा है। अभी आने वाले समय में बाजार बढ़ेगा, क्योंकि आवक निरंतर धीरे धीरे बढ़ती है और घट रही है। कुछ समय पश्चात हो सकता है कि और इसमें 500 रुपये की तेजी दे सकती है। और यदि बात करें तो लगातार डॉलर चने की आवक हमारे पास बढ़ रही है, किस तरह की अबकी बार आवक है, पिछले साल की तुलना में इस साल व्यापार कहाँ तक पहुँचा है और क्या आगे पहुँचने की संभावना है? पिछली बार चना 16,500 बिका था डॉलर चना, तो इस बार भी मेरे ख्याल से 14,000 के आसपास बिकना चाहिए। उसको देखते हुए अभी आवक किसानों ने माल को रोक के रखा हुआ है, बाजार निरंतर बढ़ने की तरफ भी है, क्योंकि धीरे धीरे आवक जो है शहर में कम होती जा रही है। अपने यहाँ दूसरी मंडियों में भी आवक है, बाकी इतनी आधा आवक नहीं। इंदौर में भी 10,000 जो बोली कि आवक होना चाहिए, 6,000-7,000 के आसपास बैठ रही है अभी। यदि हम बात करें तो मालवा का डॉलर जो है काफी प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के डॉलर की बात पूरे देश में होती है, यहीं से डॉलर के दाम भी निर्धारित होते हैं। क्या लगता है ऐसी स्थिति में कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा आपकी बार डॉलर का मध्य प्रदेश से निकलना? चूंकि यदि हम बात करें एक्सपोर्ट यदि हम करना है तो हम डॉलर की जो स्थिति देखेंगे वो मध्य प्रदेश में देखेंगे, तो क्या आपकी बार डॉलर का उत्पादन रहा और किस स्थिति में हम जो है डॉलर की देख पा रहे हैं खुद को? एक्सपोर्ट के अंदर अगर डॉलर जाता है तो डॉलर के बाजार निरंतर बढ़ते जाएंगे, घटने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पुराना स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। जो भी माल है सब नया माल है, जो कि पिछले साल से कुछ बढ़ के है, बाकी डिमांड ज्यादा है, तो बाजार आगे बढ़ना ही चाहिए। कहाँ कहाँ से हमारे पास डिमांड हो रही है और किस तरह से हम इस डिमांड को पूरा कर रहे हैं? डिमांड अपने यहाँ लोकल में शादियां चल रही है, शादियों की डिमांड भी है, एक्सपोर्ट में भी डिमांड है। एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्टर जो है माल ले रहे हैं, बेच रहे हैं। इस प्रकार धीरे धीरे बाजार बढ़ने या घटने का कोई चांस नहीं है इस भाव से। तो यदि हम बात करें, अनुभवी व्यापारी हैं आप, क्या लगता है कहां तक आपकी बार डॉलर के दाम चले जाएंगे और कितना फायदा किसानों को डॉलर के दाम से होगा? 140-145 के आसपास वापस भाव जा सकता है। और यदि हम बात करें तो हमारे पास कहां कहां से डॉलर आता है और कितनी हमारे पास आवक अभी वर्तमान में डॉलर की हो रही है? डॉलर की आवक अपने यहाँ पे खातेगांव से होती है और निमाड़ से होती है। दो स्टेशन इसे जहाँ से माल की जो है भरपूर आवक अपने यहाँ होती है, वहाँ की मंडियों से यहाँ पे ऊंचा भाव बिकता है उनका, तो इसलिए वो किसान वहाँ से माल यहाँ लेके आते हैं इंदौर मंडी। और यदि हम बात करें तो सर्वाधिक जो डिमांड होती है वो इंदौर और आसपास के क्षेत्रों से डॉलर की डिमांड होती है। अब की बार जब अधिक डिमांड होगी तो हम उसको पूरा करने में काबिल हैं या फिर नहीं है, या फिर हमको बाहर से डॉलर अब की बार मंगाना पड़ सकता है? नहीं, उत्पादन के हिसाब से अपने यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हुआ तो अपने यहाँ की पूर्ति पूरी हो जाएगी, कहीं से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और किसानों को इस बार अच्छा भाव मिलेगा डॉलर का फिर से एक बार। निश्चित तौर पे व्यापारी हैं जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अब की बार डॉलर का जो उत्पादन है वो ठीक ठाक हुआ है, यही कारण है कि डॉलर के दाम भी अब की बार जो है किसानों को अच्छी मात्रा में मिलने की संभावना जताई जा रही है। इंदौर की छावनी अनाज मंडी से नमन मटके।